बेमेतरा जिले में दो पक्षों में हुई मारपीट और हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी में एक नाबालिग भी शामिल है। दरअसल बीते 9 मार्च को रात 10 बजे बस स्टैंड नवागढ़ में दो पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें एक युवक की हत्या कर दी गई थी। वहीं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल था। एसपी ने पूरे मामले का खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया। दो पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ है, जिसमें 20 से 25 साल की उम्र के लड़के जो है आपस में मारपीट किए हैं लाठी डंडे से, और इसी में एक प्रमोद सिन्हा नाम का एक लड़के ने चाकू चलाया है। गोपी यादव, गोपाल यादव और राजू यादव, ये चारों मिलके, और एक अन्य लड़का है जो नाबालिग है, ये पांचों ने दूसरे पक्ष पर वार किया, इसमें चाकू भी चलाया।